क्लास 9 अष्टावक्र पाठ से प्रश्न उत्तर आप लोगों के बीच आ रहा है। तो इस वीडियो के तहत आप लोगों को संपूर्ण प्रश्न और उत्तर किताबी भाषा से अलग मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि इस रेखाचित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है। इसके उत्तर होगा, उसके पैर कवि की नायिका की तरह बलखाते थे और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता रहता था, इसलिए लेखक ने उसे अष्टावक्र कहा है। दूसरा प्रश्न है कि कोठरिया कहाँ बनी हुई थी। उत्तर, खजांचियों की विशाल अट्टालिकाओं को जाने वाली मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि अष्टावक्र कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर होगा, अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। चौथा प्रश्न है कि अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे। उत्तर, अष्टावक्र के पिता से परिचय होने से पहले ही उसके पिता चल बसे थे। पांचवा प्रश्न है, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ को चिरसंगी क्यों बन गया। उत्तर, यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे को कारण अष्टावक्र की माँ का शरीर प्रायः स्थिर हो चुका था, वह कुछ लंगड़ाकर भी चलती थी। निरंतर अभाव से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन का भी उसका चिरसंगी बन चुका था। छठा प्रश्न, अष्टावक्र को क्या क्या बेचा करता था। उत्तर, अष्टावक्र कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे बेचा करता था। सातवां प्रश्न, चार की संख्या में अष्टावक्र की स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई थी। उत्तर, माँ ने अष्टावक्र को समझाया था, पैसे के चार बतासे देना, चार पकौड़ी देना और चार चम्मच आलू देना। इस चार की संख्या को उसने मानस पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित है। आठवां प्रश्न, माँ माथा क्यों ठोका करती थी। उत्तर, अष्टावक्र की माँ अपने माथा में यू का स्थान बताकर कहती कि देख तो, अष्टावक्र दार्शनिक की तरह गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यह तो बाल है, तोड़ दूँ। माँ माथे ठोक लेती थी। नौवां प्रश्न है कि गर्मी के दिन में माँ बेटा कहाँ सोया करते थे। उत्तर, गर्मी के दिनों में माँ बेटा कुएं की जगत पर सोया करते थे। दसवां प्रश्न है कि अष्टावक्र हाय माँ कहकर क्यों लुढ़क गया। उत्तर, अष्टावक्र ने पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आ गया, तब हाय माँ कहकर वह वहीं लुढ़क गया। ग्यारहवां प्रश्न, माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे। उत्तर, एक दिन अष्टावक्र ने माँ से कहा कि माँ चाट तू बेचा माँ तू चाट बेचा कर, मुझे लड़के मारते हैं। यह बात सुनकर माँ ने अपने बेटे से कुछ इस तरह देखा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। बारहवां प्रश्न, अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा था। अष्टावक्र की माँ के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद भी वह विश्वास नहीं हुआ कि एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ मर गई है, तो वह विमूढ़ सा बैठ गया। तेरहवां प्रश्न, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया।
अष्टावक्र की माँ मर गई और जिस अव्यवस्थित अवस्था में अस्पताल में करा रही थी फिर वह मर गया, तो कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर सुख की नींद सोने का अवसर दिया। 14वां प्रश्न, इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा है और क्यों? उत्तर, इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग दो जगह आए हैं। एक जगह जब अष्टावक्र की माँ मर गई है तो माँ के मृत्यु पर वह अपने व्यवस्थित विकल है कि यह मानने के तैयार नहीं है कि अगर माँ मर गई है तो वह लौट कर नहीं आएगी। दूसरी जगह वह खुद दर से करा रहा है, एक कुल्फी वाला उसको अस्पताल पहुँचाता है, वहाँ उसको अपना कोई नहीं है। इस परिस्थिति में वह दम तोड़ता है, यह बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। 15वां प्रश्न, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गई है। वह हतप्रभ है कि कई बार उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है लेकिन फिर शांत हो जाती है, वह पागल सा हो जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग अष्टावक्र का संपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में बता दिया गया है, इसे पूर्ण रूप से आप लोग सुनकर याद कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।